इधर आना, ये कोई चीज लेके आया हुआ था, किधर गया वो शदादू जिसको कह रहे थे, किधर है ये? इसको ना कह रहा था ये मैं शदादू लेके आया हूँ। इधर आना, ये शदादू क्या होता है? मैं तो पहली दफा इसका नाम सुन रही कि शदादू। शदादू क्या होता है बताना लड़के, अपनी हरकतें बाज कर लो इससे पहले कि आपके मम्मा ने आपकी हरकतें सेट कर दी। हमसायों की लड़की से मांगा था ना आपने? हाँ मैंने देखा अक्सर आप उसके साथ खेल रहे होते हो। बाज आ जाओ लड़के, मम्मा ने आपको बहुत मार रहा है। ये इधर आओ, ये देखो ये लेके आए थे ना, ये लेके आया हो था। किसने दिया था? सच्ची सच्ची बता दो मुझे। अपनी माँ की वजह से ना ये अब चुप करके खड़ा है। बताओ किसने दिया था आपको? ये निम्मा नहीं मांस रहे हो, गर्ल फ्रेंड ने। आदि को तंग करके मुझे बहुत मजा आता। अच्छा चल ये लो, ये शदादू खा लो। ये देखना इसको शदादू बोलते हैं भला। शदादू शदादू इसको क्या बोलते हैं? एक मिनट मैं इनको तो दिखा लूं। गाइस ये देखो, एक मिनट रुको तो सही, दिखाने तो दो। ये इसको शदादू बोलते हैं। हाँ। है? ये लो अपना शदादू खा लो। गर्लफ्रेंड को आपका पैगाम दे दूं कि हादी ने आपका शदादू खा लिया। हादी अब तो आप तस्लीम कर चुके हो, दिखाऊंगी मैं आपकी मम्मा को। नहीं 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 खा लो खा लो। ओ क्या इतनी जल्दी है? इसे ने दिए थे ना, इस बच्ची ने दिए थे ना आपको? आपने इसको दिए थे? आपने नहीं दिए थे? कौन सी बच्ची थी जिससे लेके गए हो? ये वाला दरख्त है ना, इससे लेके गए थे ना? एक मिनट पक्का पक्का मैं आपको कोई तोड़ के देती हूँ। दिखाओ दिखा ना शहदादू, चल आ जाओ आ जाओ। इधर ला मैं डाल लेती हूँ, एक मिनट रुको। कितने अंडे है? एक अंडा? किधर, किस साइड पे? किस साइड पे देखो, इधर निकाल ना, निकाल ना, निकल। गुजरती है इधर से, गुजरती है। ये अंडा इसने कहाँ पे दिया है? ये आज का ही अंडा। हाँ इसका कलर बता रहा है, वो जगह बना दी उसकी, ठीक है। चलो ठीक है, मुर्गी ने इधर अंडा दिया हुआ है। थोड़े से तिनके मैं लेके आई हूँ तो ये रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फाख्ता जो है ना वो फिर से अंडों पे अंडे देने वाली है, या फिर उसने दे दिया होगा। वो हम फिर कल ही देखेंगे क्या मामला क्या। अब देखे सूरज गरूब हो गया ना, बस बस ऐसे ना, अब ये चंद मिनट की ही बात है, थोड़ी देर के बाद तकरीबन 5 मिनट के बाद ये और नीचे जा चुका हो। चलो दोस्तों बाकी काम जो है ना हम सुबह आके करते हैं, मैं बहुत थक रही हूँ काम कर करके ना। ये बारिश अभी भी हो रही है, देखो। ऊपर जरा चल के देख लेती हूँ कि क्या मामला थे क्या नहीं। ओए या अल्लाह, देखो यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन इसको देख लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पे बिछा दिया, लेकिन हवा देखो कितनी ज़्यादा तेज से चली हुई, तो अभी मैं ना इसको एक एक ईंट यहाँ पे दे देती हूँ, ऐसे तो यार नुकसान हो जाएगा। अरे ईंट कहाँ से ढूंढूँ, जल्दी से इधर रखी। तो ये मैंने अच्छे से कवर अप कर दिया है, बाकी सुबह आके देखते हैं। और वो देखो कैसे कैसे उड़ रहा है, ये सारा गीला हो चुका है सारा, बारिश क्योंकि ना इस साइड पे है। तो अब सुबह आके देखते हैं कि क्या मामलात हैं अंदर। यार मेरी ना आंखें भी नहीं खुली अभी तक, और मैं ऊपर आ गई, और तकरीबन टाइम जो है ना वो 7 बजे का, सिर्फ ये देखने के लिए कि सब खैरियत तो है ना। हाँ सब खैरियत है। मौसम देखो, बारिश वगैरह आई थी, और सुबह सुबह इनकी आवाज़ें चेक करो, परिंदे अपने अपने घरों से वापस आ रहे हैं खाने की तलाश में ना। ये देखो देखती हूँ, रात को इतनी तेज़ बारिश थी
और आंधी भी थी साथ साथ ना, हवा थी बहुत ज़्यादा, ये देखो पानी, इसीलिए मैंने ये जो थी ना मैंने ये फेंक के चली गई थी। तकरीबन मैं रात के कितने बजे आई थी, 12 का टाइम था, 12 से बल्कि ऊपर ही था तब मैं आई थी। और मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा क्योंकि मैं अभी उठी हूँ। और मैंने कहा कि मैं ना सबसे पहले ऊपर देख के आती हूँ क्या मामला है क्या नहीं। ये देखें फुल गीला हो चुका है। इसको खोल के देखती हूँ, उसको देखती हूँ, सबसे पहले यहाँ देख लेती हूँ कि यहाँ क्या मामला है। खोलो, ठीक है ये ना, सही है माशाल्लाह। इधर देख लेते हैं इसको क्या हो गया है। वे लड़की, नहीं नहीं ठीक है यार। ओए होए यार, ये ऊपर के हालात चेक करो, ये क्या हो गया। ओ मेरे खुदाया, यहाँ से तो ठीक था क्योंकि यहाँ से तो बांधा हुआ था, और यहाँ से हुआ है गड़बड़। अब इसका सोचना पड़ेगा। और ये भी देखो, ये वाला छापड़ जो है ना, ये भी हो गया यहाँ से। तो चलो इसका आज हम कर लेती हूँ मैं कुछ ना इसका क्या करना है। लेकिन यार शुक्र है फिर भी काफ़ी बचत हो गई। ये इधर बैठी है, इधर देखो फुल है, ये देखो ऐसा, सिर्फ यहाँ यहाँ पे पानी जो आया है और यहाँ पे भी आया है। और जैक बेचारा, जैक हुआ थोड़ा गीला, इसको ना यहाँ रख लेती हूँ। ये देखो यहाँ से पानी गिर रहा है नीचे से। तो चलो इसका कर लेते हैं आज, कुछ करती हूँ मैं अभी। अभी तो सुबह सुबह आया तो कोई शॉप भी खुली नहीं होगी, तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। लेकिन अभी तो इनको दाना पानी डाल के जाऊँ ना, फिर नेक्स्ट देखना है क्या करना है क्या नहीं। और यहाँ देखें क्या मामला हुए हैं, यहाँ पे भी जनाबे वाला ये सारा कुछ हुआ करे। इनका भी खोल देती है, सुबह सुबह इनकी आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं माशाल्लाह से। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन ना असल में बजीज की होती है, क्योंकि थोड़ी सी भी वो हो ना, ठंडा मौसम हो तो इनकी तबीयत ख़राब होने लग जाती, तो इसलिए देखते हैं क्या मामला है। सब खैरियत है। इधर एक डव, उसको क्या हो गया। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। और एक इधर, सब ठीक है सब ठीक है, सब अच्छे की आवाज़ है। तो चलो हम चलते हैं। वो अपने घर में बैठी हुई है, ये है ना इतनी टेंशन। रात को मैंने कहा कि बस कुछ ना कुछ हो गया ना, तो बिल्ली उतर गई ना, तो बस मेरा सारे जो किया कराया ना सारा जाया जाएगा। क्योंकि वहाँ से वो देखो ना, अगर वहाँ से उतर आती तो, इसलिए मैंने कहा कि बस जैसे ही सुबह होते ना मैं सबसे पहले यहाँ पे पहुँच जाऊँगी, फिर बाकी काम मैं करूँ। सारा सामान मैंने जो है वो उठा लिए, और अब इनको ना डालते हैं। बड़े शौक से ये खाती हैं। मैं फीड जो है ना वो इनको बहुत कम डालती हूँ, मैं ज़्यादातर घर की चीज़ें देती हूँ या फिर ये मिक्स दाना देती हूँ। इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये देखो, इसमें से मुझे नाम भी सिर्फ चंद चीज़ों का पता है, बाकी का मुझे नहीं पता। लेकिन ये बहुत अच्छा होता है इनके लिए ना। और ये फीड है, चुंटी जा रही। चलो इसको मारते नहीं है, इसको आराम से यहाँ से छोड़ते हैं और इधर छोड़ देते। यहाँ पे छोड़ दी, वहाँ पे कोई इसको मार देता ये वैसे ही आ जाती। तो चलो इसको बचीज की तरफ रख देते हैं। चलो जी, थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के देखती हूँ। पहला शहजादा आ गया, दूसरा भी आ गया।
मेरे हाथ में ना इस वक्त ये खाना है और ये इसके अंदर पानी है, तो ये मैं लेके आई हूँ। बंटी को ना खाना खिला दो, आपको दिखाती हूँ। बंटी बंटी आजो आजो, बंटी आजो 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 आजो, शाबाश बंटी आजो आजो, मेरे बंटी आजो 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 आजो, ठीक है आ गया। इसको अब ना मैं खाना खिला रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ना ऊपर आई हूँ, कमरे में आ गई हूँ और ये सीढ़ी लेके आई हूँ, ठीक है। इससे रख के ना ऊपर देखना है कि ये क्या हुआ पड़ा है ऊपर, ये मतलब ये सारा क्या है। तो इसको अब मैंने देखना है कि इसको क्या करें, इसका क्या ना किया जाए। तो इसको फिक्स करना है पहले तो ना, क्योंकि ये देखना ये हिलती है ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे करके। तो इसको पहले तो मैं फिक्स कर लूँ कि किस तरीके से करना है, फिर ऊपर जाके देखते हैं कि ऊपर के क्या हालात है। अभी तो देखो ये और वो ईंट गिरी पड़ी है, उसको उठाना है, तो बहुत मामलात खराब ही लग रहे। या अल्लाह कर मदद। ओह मेरे खुदाया, देखो कैसे करके मैं बैठ रही हूँ, एक पाँव इधर और एक पाँव इधर, और ये देखे ऊपर के हालात देख के तो मैं तो हैरान परेशान हो गई हूँ कि अब इसको कैसे सेट करूँ। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। सबसे पहले तो इसको निकाल लूँ, ये कैसे फंस गया इसमें। ओए ये ईंट, ओए इसको एक दफा इधर रख देती हूँ। बारिश हो रही है, क्या फायदा आया तुम्हारे? क्यों तो ऊपर से जो करके आई है वो करने का। वो भी किसने किया? वो मैंने ही किया। कोई फायदा आया? बस एक ये कील लगा दिया और बस। कील भी जबरदस्त कील लगाया। कील लगाने में बड़ी रॉकेट साइंस इस्तेमाल की है आपने। सबसे ऊपर देखो बारिश आ रही, आवाज शायद आप लोगों को आ रही होगी। बारिश देखें अभी तक हो रही है और अभी तक हम लोग जो है ना वो काम कर रहे हुए हैं। मुझे लगा कि इस बजी को क्या हो गया है। ठीक है ठीक है, एंजॉय। अरे यार वो क्या है, उधर आके बैठ जाती हो यार, ऐसे कौन करता है रे। हमने ना वो वाला जो इतना ज्यादा खराब हुआ था ना, उसको हमने ना ठीक कर लिया। मैं अंदर चल के दिखाती हूँ, अब देखें हिल नहीं रही। मैं ऊपर चल के दिखाती हूँ, ये देखें ये देखें, कवर हो गई है ना ये। अब बारिश जो है ना वो अंदर नहीं आ रही, तो मज़ा आ रहा है। सही है, कल रात को बहुत बेचैनी रही कि पता नहीं इन बेचारियों का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और लिटरली काम करते करते ना 3 घंटे हो चुके हैं। हम लोग जो है ना इस काम के अंदर कोई प्रो प्लेयर तो है नहीं, तो इस वजह से हमें चीज़ें समझने में करने में कि कैसे कैसे करके करनी है, तो हमारा तो यहाँ पे टाइम लग जाता है। लेकिन राउंड अबाउट हमें 3 घंटे जो है ना वो होने वाले हैं ये सब करते करते। शाम हो गई यही काम करते करते ना, और पता ही नहीं चल रहा कि इतने ज़्यादा जो है ना वो टाइम हो गया है, क्योंकि जैसे सुबह में आई थी वैसे ही अब मुझे लग रहा है। तो दोस्तों ये मैं ना मुर्गियों और उनके लिए ना सैलेड बना के लेके आई हूँ। आ जाओ, ये देखो कैसे आ गई, कितने शौक से ये खाती हैं। वो नहीं आ रही, तो चलो ये यहाँ पे खाती रहेंगी और उधर जैक नाच रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अपना ख्याल रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।